सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं हूं दीपक आर्या और आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप बना सकते हो घर में आइसक्रीम, वो भी बनाना मतलब केले से। सो प्लीज़ तब तक आप चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो कीजिए लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। उसके लिए लीजिए आप एक ब्लेंडर, आप घर वाला ब्लेंडर भी यूज़ कर सकते हो, जो आपके घर में रेगुलर ब्लेंडर आपको मिल जाता है। बेटर है कि आप कोई कमर्शियल ब्लेंडर लें तो वो बेटर रहेगा, उससे अच्छी क्वालिटी आती है, क्योंकि मेन रोल रहता है आपका ब्लेंडर का आपका शेक्स लाइन में। जो शेफ्स हैं ये अच्छे से इस बात को समझ पाएंगे, क्योंकि कितना फ्रोद आपका निकलता है हाई आरपीएम पे। आप नॉर्मल जैसे हर जगह नॉर्मल ब्लेंडर होते हैं, सुजाता वगैरह, वो भी यूज़ कर सकते हैं। बट अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा डिफरेंस होता है रेट्स में, आप चाहते हैं कि अच्छी क्वालिटी आई, तो कॉमर्शियल ब्लेंडर ही यूज़ कीजिए। डीप ब्रांड का आप यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी ठंडा है। चलिए, ये मैंने डाल लिया है सारा केला, एक बार वॉश कर लेते हैं, काफ़ी ठंडा हो गया है। चलिए, उसके बाद लेते हैं थोड़ी सी शुगर। शुगर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, जैसा भी आप जनरली, वैसे मीठा जो होता है वो ज़्यादा ही लेते हैं आइसक्रीम में, बट आप कम या ज़्यादा जैसा भी आपको टेस्ट पसंद है वैसा ले सकते हैं। ये मैंने डाल लिया है इसमें शुगर, मेरे को शुगर थोड़ी तेज़ पसंद है। ये एक और, चलिए ये कर देते हैं इसको बंद और लेते हैं इसका थोड़ा सा हाई कंडेंट मिल्क। आप मिल्क ना यूज़ करें तो वो बेस्ट है, अच्छी क्वालिटी की आइसक्रीम की अच्छी क्वालिटी के लिए आप मिल्क ना ही यूज़ करें, बट आप मिल्क यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे कि मेरे को मिल्क थोड़ा पसंद है, मिल्क का टेस्ट एक अलग फ्लेवर लेके आता है, एक अलग टेस्ट लेके आता है शेक्स में और आइसक्रीम में। चलिए, इसको क्रश करते हैं कुछ टाइम के लिए, मेरी आवाज़ आप तक पहुँच जाए, क्योंकि इसकी काफ़ी आवाज़ हो रही है, तो शायद मेरी आवाज़ आपको क्लियर ना आए। चलिए, क्रश हो रहा है, इसको क्रश होने देते हैं कुछ टाइम के लिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। ये वीडियो हो रहा है, अभी चलने देते हैं इसको, अच्छे से प्रेस हो जाएगा दो मिनट के लिए, आप इसको चला दीजिए। अगर आप शेफ हैं तो आपके लिए एक गुड न्यूज़ है कि हम बीच बीच में हमारे पास रिक्वायरमेंट आती रहती है शेफ्स के, तो कुछ ऑप्शन होती है शेफ्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो हम अपनी वीडियो में ही बता देते हैं कई बार। सो प्लीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रखिए इस चीज़ का, वीडियो को रेगुलर देख कर रही है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक और बात, हमको रिचार्ज नहीं लेते हैं किसी भी शेप से प्लेसमेंट के लिए। चलिए, ये हो गया है रेडी, देख लीजिए एक बार, ये हो गया रेडी। अगेन मैं वही बताऊंगा कि अगर आप शेफ हैं तो स्पेशली आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और रेगुलर ध्यान रखिए, कोई भी वीडियो छोड़िए मत, क्योंकि बीच बीच में रिक्वायरमेंट हम देते रहते हैं, कोई भी रिक्वायरमेंट आती है तो हम अपनी वीडियो में बताते रहेंगे। और एक और बात, ये ख़ास ध्यान रखिए, कोई भी बिग सर्विसेज, बिग फूड इक्विपमेंट्स के नाम पे कोई चार्ज लेता है तो ध्यान रखिए, हम कोई भी चार्ज नहीं लेते हैं प्लेसमेंट के लिए। चलिए, ये हमने डाल दिया है इसको और लगा देते हैं लिड्स, ये वैसे रेडी है, देख लीजिए, लिड लगा देते हैं।
पूरे लिड्स लगा के ये मैंने इसको कर लिया वॉश और रख देते हैं इसको फ्रिज में। सो और आप चाहते हैं कि किसी तरीके की वीडियो मैं बनाऊं, स्पेशली इक्विपमेंट्स का काम हमारा होता है, तो आप मेरे को बताइए कि किस तरीके के इक्विपमेंट्स आपको पसंद हैं, किस तरीके के इक्विपमेंट्स की नॉलेज आपको चाहिए, और जैसे कि कोई फ्लेवर आप ऐड करना चाहें तो इस तरीके से आप कोई भी फ्लेवर ऐड कर सकते हैं। अगर फ्लेवर नहीं है तो आप चॉकलेट, जैसे मेरे पास एक चॉकलेट थी, ये चॉकलेट मैंने इसमें डाल दी है। इसको कर लेते हैं थोड़ा क्रश। चलिए ये है आपका रेडी चॉकलेट बनाना आइसक्रीम। आप इसको डायरेक्ट पी भी सकते हैं एज अ शेक, और आप इसको फ्रिज में लगा दीजिए आइसक्रीम बनाने के लिए। ये हो गया है रेडी। चलिए सो प्लीज़ फ्रेंड हाँ मेरे को बताइए और किस तरीके के इक्विपमेंट्स की आपको रिक्वायरमेंट रहती है, कैसे इक्विपमेंट्स की नॉलेज आप लेना चाहेंगे मेरे को बताइए, उस हिसाब से मैं बताऊंगा कि क्या इक्विपमेंट्स आप किस उसमें यूज़ कर सकते हैं। एक बार इसको कर लेते हैं सेट। और प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए ये रख देते हैं इसको फ्रिज में। थैंक्स।